बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज यहाँ मंगला में मुहक्क़िक़ अहले सुन्नत पीर तरीक़त हज़रत अलामा पीर हाफिज़ मोहम्मद ज़मान नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाह अलैह का 12वां सालाना उर्स इनेकाद पज़ीर हुआ। तो इस वैसे तो ये महफ़िल काफ़ी लंबी महफ़िल है, लेकिन इसकी कुछ झलकियाँ मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की हैं। तो आइए और इस बबरकत महफ़िल की कुछ खूबसूरत झलकियाँ मुलाहिज़ा करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए और इस खूबसूरत वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा भी आपको इसी तरह की खूबसूरत वीडियो देखने को मिलती रहें। तो चलिए और इस खूबसूरत वीडियो का आगाज़ करते हैं। उनके अलामा साहब तशरीफ ला चुकी हैं बिला तखीर कदम अहले सुन्नत सरमाए अहले सुन्नत पीर मुराद हजरत अलामा साहब नज़ीर फारूकुल हसन कादरी साहब से मुतमिस तशरीफ लाएँ और खिताब ज़ीशा से हमारे ग्रुप अशां को मुनव्वरता फरमाएं। لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درش پڑھ لو بے مدعا ہے اور میں ہوں مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں مگر لب پہ लिहाजा याद रख ले वो और होंगे तेरी बातें सुनने वाले, तुझसे जो हो सकता है वो तो कर। हम हुजूर के दीन के साथ मुखलिस थे, मुखलिस रहेंगे। यूं करके धीरे धीरे बाजू कट गया, दूसरा बाजू, फिर पांव काट दिए, टांगे काट दिए, फिर कहने लगा इनके बाकी बदन को आग में फेंक दिया जाए। तो उस वक्त भी वो मुस्कुरा पड़े, गुस्से में चिल्ला के कहता है उस इल्म तुम्हें हंसते हुए नहीं मरता देख सकता। तो तस्वर तो कीजिए, उस वक्त मेरे करीम आका का गुलाम कहता है मैं मुस्कुराया इसलिए हूँ कि तूने पहले मेरी गर्दन नहीं काटी, मुझे धीरे धीरे काटते रहे हो। चलो जब तक मैं जिंदा रहा हूँ हुजूर की खत्मे नबूवत की बात तो करता रहा। बस इतनी सी बात है, उलमाए किराम के साथ मोहब्बतें करने वालों, उलमा के इस दर्स के ऊपर भी तो तवज्जो दीजिए। ये उलमा ही तो है जिन्होंने आपको मुझे जिन्हें हकीर समझ कर बुझा दिया तुमने, यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी, यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी।